अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल वन की थी जिसमें हमने वाई ऑन एक्स कैलकुलेट किया था। अब जो हम एग्जांपल गिवन डेटा में दी गई है, हमें रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई दोनों की दोनों कैलकुलेट करनी है। डेटा हमें वेरिएबल एक्स और वाई पर डिपेंडेंट दिया गया है, एक्स की वैल्यूज़ हैं वाई की वैल्यूज़ हैं। क्योंकि हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई, इसलिए हम बी ए डी और सी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो क्या होती है, अपना फर्स्ट कॉलम यानी कि एक्स, एक्स की वैल्यूज का समेशन, वाई, वाई की वैल्यूज का समेशन। देन फॉर्मूला में पुट करने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू एंड एक्स एंड वाई का समेशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यूज को एक्स कॉलम में पुट किया। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स। ये पूरा जो है रॉ हमारे पास किसको शो करेगी, समेशन की वैल्यूज को शो करेगी। तो पहला कॉलम एक्स है, उसका हम समेशन करते हैं। एक्स की वैल्यू का समेशन हमारे पास आ गया है 45। अब हम वाई की वैल्यूज का समेशन करेंगे। ये समेशन हमारे पास आ गया है 108। देन हम x की वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 इज 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अभी हमारे पास x की वैल्यूज का स्क्वायर आया है और फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है समेशन एक्स स्क्वायर। तो अब हम इस कॉलम का भी समेशन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के कॉलम का समेशन हमारे पास आ गया है 285। देन हमें क्या रिक्वायर्ड है, वाई की वैल्यू का स्क्वायर। वाई की वैल्यू को स्क्वायर करने के लिए हम वाई की वैल्यूज को स्क्वायर करते चले जाएंगे। 9 का स्क्वायर इज 81, 8 का 64, 10 का 100, 144, 11 इज 121, 13 इज 169, 414 स्क्वायर इज 196, 16 स्क्वायर इज 256, 15 स्क्वायर इज 225। पहले हमने y की वैल्यूज का स्क्वायर कर लिया, अब हम y की वैल्यूज का जो स्क्वायर है उस पूरे कॉलम का समेशन कर लेंगे। इस कॉलम को हमारे पास समेशन आ गया 1356। देन हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक्स और वाई। एक्स और वाई के लिए हम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। 19 ज़ा 9, 8 टू ज़ा 16, 30, 48, 55, 7 into 14 8 into 16
15। अब हम इस कॉलम का भी समेशन कर लेंगे ताकि हम अपने फॉर्मूला में पुट कर सकें। अब इस कॉलम को हमने समेशन कर लिया जो हमारे पास आ रहा है 597। तो सारे कॉलम्स का हमारे पास समेशन आ गया है। बी फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाई हो रहा है समेशन एक्स वाई की वैल्यू से, देन माइनस की साइन, समेशन एक्स की वैल्यू, समेशन वाई की वैल्यू, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। एन जो होता है वो नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस वक्त जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है, 9। तो सबसे पहले एन की जगह हमने 9 पुट करा, फिर हमें रिक्वायर्ड है समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई के कॉलम से जो हमारे पास समेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 597। माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला, देन समेशन ऑफ एक्स, एक्स से कॉलम का समेशन हमारे पास आ रहा है कैलकुलेशन के बाद 45। देन समेशन वाई, समेशन वाई हमारे पास आ रहा है 108। अगेन एन, एन इज 9। समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर इज 285 माइनस समेशन एक्स 45 होल स्क्वायर। अब 9 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 597 से, देन हम 45 और 108 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4860। अब इसके बाद 9 मल्टीप्लाई होगा 285 से, रिजल्टेंट हमारे पास आ जाता है 2565। देन 45 का स्क्वायर करना है, 45 स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2025। अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करवाएंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद लास्ट स्टेप हमारा डिवीजन होगा। दोनों वैल्यूज को हमने सेपरेट करवाया, अब जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं अब हम उसे डिवाइड करवाएंगे। 513 को डिवाइड करवाया 540 से, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, 0.95 इज द वैल्यू ऑफ बी। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, वाई बार एक्स बार। वाई बार के लिए और एक्स बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स इज 45 डिवाइडेड बाय 9, समेशन y इज 108 डिवाइडेड बाय 9, 5108 डिवाइडेड बाय 9 12। तो x बार जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5, और y बार जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 12। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, y बार की वैल्यू है हमारे पास 12 माइनस बी की वैल्यू 0.95 और एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आई है 5। 0.95 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, अब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे,
जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या है 7.25। अब हम डी कैलकुलेट करेंगे, डी के लिए अपर पोर्शन हमारा सेम है तो हम चाहें तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो 513 एन इज 9 समेशन वाई स्क्वायर इज 1356 माइनस समेशन वाई 108 का स्क्वायर। नाइन को मल्टीप्लाई कराना है 1356 से, वन जीरो एट का स्क्वायर D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.95। अब हम C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। X बार इज 5, D की वैल्यू 0.95 एंड Y बार इज 12। 0.95 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, 5 माइनस 11.54 माइनस 6.5। फाइंड आउट करना है हमें y on x एंड x on y। y on x के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस dx, और x on y के लिए c प्लस dy। ए बी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर रही हैं ऑलरेडी। ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 7.25, बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.95, एक्स हमारे पास अननोन है। सी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की माइनस 6.4 प्लस डी की वैल्यू 0.95 एंड y इज अननोन। तो ये दो रिग्रेशन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में अगली एग्जांपल को डिस्कस करेंगे।